हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन सी वस्तुएं कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर वन, घड़ी का उपहार। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में अगर गिफ्ट देने की नौबत आए तो अपनी घड़ी या नई घड़ी किसी भी रूप में दान या उपहार में ना दें, वरना आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि घड़ी समय का प्रतीक होती है। जब आप अपने कीमती समय को किसी को दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। नंबर टू, पानी से जुड़ी चीजें। कोई व्यक्ति आपका कितना भी खास क्यों ना हो, कभी किसी को पानी से जुड़ी चीजें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। जैसे कि एक्वावेरियम, पानी वाला कोई 100 पीस, वाटर बोतल, कुंड आदि। ऐसी चीजें गिफ्ट में देने से इंसान को पैसे की कमी या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर थ्री, अपने पेशे मतलब प्रोफेशन से जुड़ी चीजें। किसी भी अवसर पर अपने प्रोफेशन से जुड़ी चीजें बिल्कुल भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। जैसे अगर आप लेखन से जुड़े किसी पेशे में हैं तो कभी भी किसी व्यक्ति को पेन, किताब, स्याही इत्यादि नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीजें उपहार में देने से व्यक्ति को कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर फोर, रुमाल। किसी भी अवसर पर कभी किसी को रुमाल गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार रुमाल गिफ्ट करने से लोगों के बीच नकारात्मकता फैलती है और रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। नंबर फाइव, भगवान की मूर्ति और तस्वीरें। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें रखने और इनका पूजन करने का एक अलग विधान होता है। इसीलिए कहा जाता है इन्हें व्यक्ति को खुद ही खरीदना चाहिए। नंबर सिक्स, नुकीली चीजें। वास्तु के अनुसार नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार इत्यादि को कभी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। इन्हें गिफ्ट में देने से आपका बुरा वक्त आ सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।